मुझे रख दिया छाव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता माँ के रूप में, माँ के रूप में। माँ माँ कितना सुंदर शब्द है, कितना सुंदर लगता है सुनने में। माँ शब्द ऐसा शब्द है जो अपने बच्चों के लिए अपना प्राण तक न्योछावर कर देती है, वो माँ होती है। दोस्तों, हम भगवान को इस धरती पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, लेकिन माँ के रूप में भगवान को देख सकते हैं। दोस्तों बता दे, माँ हमारी जरूरत के लिए सब कुछ त्याग देती है। दोस्तों सब कुछ मेरी माँ ही है जो हमें इस धरती पर लाया है, मुझे इस धरती का दर्शन। माँ हमारे लिए हर एक कष्ट को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ चाहे अपने बच्चे उनसे कुछ मांग रहा हो या ना भी मांग रहा हो, लेकिन माँ अपने बच्चे की भावना को समझ जाती है। इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। इसलिए भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य को पहला निश्चल, निस्वार्थ और सच्चा प्यार सिर्फ अपने माता पिता से मिलता है। माँ और पिताजी जो प्रेम करते हैं वो संसार में कोई नहीं करता। माँ सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए, तो जन्नत मिल जाए। दोस्तों माँ बच्चों के लिए हिम्मत होती है। एक बच्चा वही कर सकता है जो उसे माँ हिम्मत देगी, माँ साथ देगी। आज मैं बात कर रहा हूँ डांसर सनातन की माँ के बारे में, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो काम नहीं करना चाहिए वो किया। दोस्तों मैं बता दूं कि डांसर सनातन के पिताजी थे वो कोलवरी पर काम करते थे, उसकी माँ थी वो भी काम करती थी। दोस्तों मैं बता दूं कि पिताजी का हाथ था वो टूट गया, उसके बाद दोस्तों सारा बोझ उनके माँ के ऊपर आ गया। और माँ ने जो कुछ भी मजदूर करते थे, कोई ऐसी मजदूरी या फिर कोई ऐसा काम नहीं होगा जो डांसर सनातन के माँ ने नहीं किया। वो क्यों किया दोस्तों, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया। उनकी माँ अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। दोस्तों खास करके डांसर सनातन और सावित्री को उन्होंने खूब पढ़ाया, उन्होंने उनकी जो भी जरूरत थी वो पूरा किया उसकी माँ ने। लेकिन दोस्तों डांसर सनातन को पढ़ाई से कुछ नहीं मिला, उन्हें जॉब नहीं मिला। उसके बाद डांसर सनातन ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उसकी माँ भी खुश नहीं थी कि वीडियो बना करके पैसा कमाएगा, वो उन्हें भी पता नहीं था। लेकिन दोस्तों डांसर सनातन और सावित्री मेहनत करते गए और वो टिकटॉक पर सफल हो गए। उसके बाद दोस्तों जब पैसे कमाने की बारी आई, जब उन्हें उनकी माँ की जिंदगी स्वर्ण ही वाली थी, वो माँ के लिए कुछ कर ही पाते थे, उसके बाद उसकी माँ के साथ एक दुखद घटना घट जाता है। वो घटना ये था दोस्तों कि सरना पूजा के दिन उनकी माँ तालाब पर नहाने के लिए जाती है, चावल धोने के लिए जाती है। तो वो चावल धोते धोते दोस्तों पैर उसका, उसकी माँ का है, वो फिसल जाता है और वो तालाब के नीचे चली जाती है। दोस्तों मैं बता दूँ वहाँ कोई नहीं था, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों हल्ला कर रहे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद पता चला कि एक औरत वहां पर डूब गई है। उसके बाद दोस्तों उस औरत, उसकी माँ को खोजने के लिए पानी पर कोई नहीं गया। उसके बाद डांसर सनातन के पास फोन जाता है, उसका दोस्त उनके पास फोन किया। तो जैसे ही फोन किया दोस्तों, डांसर सनातन आते हैं और पानी पर छलांग लगाते हैं और छलांग लगाकर अपनी माँ को नीचे गड्ढा से खोज करके निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही डांसर सनातन ने अपनी माँ को बाहर निकाला, उनकी शरीर से जान चली जा चुकी थी। डांसर सनातन अब कुछ नहीं कर पाते, डांसर सनातन चाह करके भी माँ को अब जीवित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी माँ अब मर चुकी थी, इस संसार को छोड़ चुकी थी। जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उस बेटा को करने की बारी आई तो माँ ही छोड़कर चली गई। एक कैसी विडम्बना है विधाता, कैसी विडम्बना है। दोस्तों माँ का स्थान सर्वोपरि है, चाहे मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, चाहे हम सब का माँ हो, माँ माँ होती है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा,
कि आप माँ का इज्जत करें, माँ का सेवा करें और माँ की देखभाल करें, जो कुछ भी ज़रूरत होता है माँ को पूरी करें। दोस्तों, माँ के साथ ऊंची आवाज़ पर बात मत करें। दोस्तों, इस संसार में भगवान के रूप में है कोई तो वो है माँ, जो हमें सब कुछ देती है, अपने जीवन से निकाल करके सब कुछ दे देती है। दोस्तों, अपने बच्चों के लिए एक माँ अपनी हर एक खुशियाँ को त्याग देती है। तो दोस्तों, माँ के लिए हम सब का कर्तव्य बनता है, चाहे वह संसार की कोई भी माँ हो, माँ के लिए हम हमेशा तैयार रहें, माँ की सेवा करें और माँ की देखभाल करें। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बदबुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ बर्तन मांझकर तीन बच्चों को पाल सकती है, लेकिन तीन बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ नहीं पाली जाती। बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और प्रेम से बोलो जय माता दी, जय मेरी माँ, जय मेरी माँ।